Very good morning, dear students. Welcome back to Abhinav Online Classes. Dear students, yesterday in our the same chapter on quality, in this chapter yesterday we finished other kinds of quality. अन्य प्रकार की समानताएं, recognizing dignity, कि अपनी गरिमा को अपनी मर्यादा को पहचानना. तो कल हमने ये टू टॉपिक्स फिनिश किए थे. टुडे आई विल टीच अबाउट इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि भारतीय भारत के लोकतंत्र में इक्वलिटी में समानता का क्या महत्वपूर्ण है, जो भी इसके बारे में हम इस इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारी बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, किसका, पार्लियामेंट का. पार्लियामेंट का मीन संसद होता है. द पार्लियामेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी, कि भारतीय लोकतंत्र का आधारशिला वो कौन है, पार्लियामेंट है. हमारा संसद है वो हमारा भारतीय लोकतंत्र का आधारशिला है. एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इट इन थ्रू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये रिप्रेजेंट होता है किसके द्वारा, जिन व्यक्तियों को हम जनता के द्वारा जो चुने होते हैं, वो व्यक्ति इसमें क्या करते हैं, संसद में अपना कार्य करते हैं. तो सेम इसी टॉपिक का अब हम डीपली इसका अध्ययन करेंगे. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये हमारे पार्लियामेंट का पिक्चर दिया हुआ है, हमारे संसद का. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, कि भारत के संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना है किस तरह से, इक्वल में समान दृष्टि से. दिस मीन्स, इसका मतलब पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड. कि दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि लोग क्या है, इक्वल है, समान है, समान दृष्टि है. मीन्स कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है. इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, उनमें मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, जेंडर लिंग के बेसिस पे, रिलीजन धर्म के बेसिस पे, रेस अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट है सेकेंड है, इनके बेसिस पर भी नहीं. इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर उसका उसकी आर्थिक स्थिति पुअर है या हाई है या मीडियम है, उसका भी बेसिस नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है. दिस डज नॉट मीन दैट इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिट इन इंडिया. दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं, दैट इनइक्वलिटी असमानता डज नॉट एग्जिट इन इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में असमानता एग्जिट हो चुकी है, मीन्स बाहर निकल चुकी है, ऐसा नहीं है. इट डज फ्लोवेयर इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, कि लोग भारतीय लोकतंत्र में प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत है ऑफ इक्वलिटी समानता के, ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इसके द्वारा सभी लोगों को रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना गया है. बिफोर इंडिया वाज ए डेमोक्रेसी, कि पहले जब भारतीय डेमोक्रेसी लोकतंत्र था, नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल, मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. नाउ देर आर सेवरल सच लॉस, उस समय लोगों के साथ भेदभाव और
छूत की भावनाएं, मीन्स इस तरह से बहुत सारे भेद किए जाते थे। बट नाउ, लेकिन अब देर आर सेवरल सच लॉज, मतलब अब बहुत सारे कानून हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉग्निशन, पहचान, समानता की पहचानने के लिए इंक्लूड सम, लो कुछ शामिल किया गया है क्या, फॉलोइंग प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान में कुछ प्रोविजंस को सम्मिलित किया गया है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून से भी पहले सब व्यक्ति समान हैं। नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर एक्सेट्रा। कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसके बेसिस पे, किसके आधार पे, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म के स्थान के आधार पर, या लिंग के आधार पर इत्यादि। इस तरह से कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, प्रत्येक व्यक्ति पब्लिक प्लेस को क्या एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्सोल्यूट, मतलब किसी भी तरह का लोगों के साथ स्वस्थ छूत की भावना ये नहीं की जाएगी, किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, मतलब कुछ शताब्दियों से जिन लोगों के साथ असमानता की भावनाएं रखी जा रही है, तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्कीम, भारतीय सरकार ने अलग तरह की स्कीम्स को इम्प्रूव किया है लाइफ ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटी को, कम्युनिटी के जीवन जीने के लिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम्स दी गई है उनकी सहायता के लिए। वन ऑफ सच स्कीम इज़ द मिड डे मील स्कीम, इन सारी स्कीम से एक स्कीम कौन सी है, मिड डे मील, मीन्स दोपहर के समय स्कूल में बच्चों को खाना प्रोवाइड करना। वेर इन द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो एलिमेंट किए गए स्कूल्स हैं उस स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है चिल्ड्रन को फूड, बना हुआ खाना, मीन्स पका हुआ खाना लंच के समय दिया जाता है। इन 2001 सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट, 2001 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आस्क्ड, उन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें सम्मिलित, में स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्कूल्स में जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उसमें इस तरह से मिड डे मील की स्कीम को चला रही है, मीन्स फूड प्रोवाइड कर रही है चिल्ड्रंस को। दिस स्टेप हैज़ नॉट ओनली एंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन बट आल्सो, कि दिस स्टेप हैज़ नॉट ओनली एंश्योर, कि ये स्टेप, ये कदम केवल एंश्योर नहीं करता एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन, कि बच्चों को न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व है वो सारे प्रदान करवाना, बट इसके अलावा आल्सो ब्रोकन कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, कि जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं उनको भी ब्रोकन, तोड़ा जाना। एज चिल्ड्रन विद डिफरेंट कास्ट सिट टुगेदर टू ईट,
कि अलग अलग जाति के बच्चे साथ में बैठकर के खाना खाते हैं। दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक फूड, जो निम्न जो नीचे जाति की महिलाएं होती हैं वो काम करती है किसके लिए, खाने को बनाने के लिए। मीन्स इस तरह से जातिगत कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सके, इसलिए मिड डे मील में क्या स्कीम हो जाती है, एक तो बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों में ये भावना पैदा करना कि आप व्यक्तिगत रूप से सभी समान हैं और एक साथ बैठ करके, मतलब हमें किसी के साथ बिना भेदभाव किए एक प्लेस पर बैठ करके सबके साथ खाना खाना चाहिए। मीन्स इस भेदभाव की भावना को रिड्यूस करने के लिए, ब्रॉक करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम्स चलाई गई हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। कल हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अनदर डेमोक्रेटिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।